कठपुतली श्यामा मैं तेरी कठपुतली श्यामा मैं तेरी कठपुतली। और कुछ नहीं हूँ, आपने जो इशारा करना है वो मेरी वाणी ने जीव ने बोलना है। तेरा हुक्म बजाऊंगी, तेरा हुक्म बजाऊंगी, तेरा हुक्म बजाऊंगी, तेरा हुक्म बजाऊंगी मैं। डोर हिलाना सांवरिया तू, डोर हिलाना सांवरिया, डोर हिलाना सांवरिया तू, डोर हिलाना सांवरिया, तोहे नाच दिखाऊंगी मैं, तोहे नाच दिखाऊंगी तेरी कट करवाना चाहते हो करवाओ, बस डोर आपने हिलानी है, मैंने तो नाच दिखाना है, मुझे कुछ नहीं करना। और ये मैं ऊपर से नहीं, अपने मन की बात आपको बता रही हूँ कि मैं कुछ करने की स्थिति में ना थी, ना हूँ, ना रहूंगी, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे अच्छा काम दिया कि उसकी चर्चा करने का अवसर दिया, मैं कर दी। मेरा वजूद कुछ भी नहीं, मेरा वजूद कुछ भी नहीं, मैं तो जड़ हूँ सांवरे, मेरा वजूद कुछ भी नहीं है, मैं तो जड़ हूँ सांवरे, मैं तो जड़ हूँ सांवरे, मैं तो जड़ हूँ सांवरे, कोई वजूद नहीं। बड़ा अहंकार से मेरा मकान, निकल मेरे बाहर, धक्के मार के मकान से निकाल दिया, लेकिन जिसको बाहर निकाला सुबह उसने देखा निकालने वाले की मृत्यु हो गई, शरीर पड़ा है, बोल नहीं सकता, अब नहीं कह रहा, जिसको निकाला था उसने आकर के उठा लिया। मेरा वजूद कुछ नहीं, लेकिन मैं हूँ फिर भी हम करते हैं, मैं जड़ हूँ, जड़ को चेतन करना तुम्हारा काम है, तो जड़ चेतन करने वाले आप हैं, इसलिए मेरा वजूद कुछ भी नहीं, मेरा वजूद कुछ भी नहीं है, मैं तो जड़ हूँ सांवरे, मैं तो जड़ हूँ सांवरे, तेरे एक इशारे पे, ओ तेरे एक इशारे पे, कठपुतली।
जैसी उनकी आज्ञा होगी आपके सामने उनकी चर्चा करेंगे। बस गुरु के चरणों में प्रार्थना है, उनकी कृपा सदैव बना रहे और भगवान के हाथ में मेरी डोर रहे, बस और कुछ नहीं। उसी प्रभु की चर्चा करने जा रहे हैं कि इस प्रभु की चर्चा करने से लाभ क्या है, हमें मिलता क्या है, संसार की सेवा करने से, संसार में कर्म करने से, संसार के उलझने से हमें क्या मिला, ये हम सबको पता है। लेकिन जब उस प्रभु प्यारे से मिल जाते हैं तो जीवन क्या होता है, यही श्रीमद् भागवत महाकाव्य में बताया। प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा। प्रारंभ में ही बताया है, नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको अब्रवीत्। नैमिषे सूतमासीनम्, एक समय की बात है कि नैमिषारण्य नाम के क्षेत्र में सारे ऋषि बैठे और उनका एक ही कार्य था, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ याग करना, जप करना, सत्संग करना। अब यज्ञ आदि कार्य से वो निवृत्त हुए थे, उसी समय वहां पर सूत जी का आगमन हुआ। जैसे ही सूत जी आए तो सब ऋषियों ने खड़े होकर उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया, पूजन करके उनको एक आसन दिया और बिठा दिया। अब इन ऋषियों में शौनक जी जो थे वो बातचीत करने में बहुत कुशल थे, तो उन्होंने सूत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए पूछा, भगवान जिस प्रकार सूर्य प्रकट होकर के अपने प्रकाश से सारे संसार का अंधकार दूर करता है, इसी प्रकार आप हमारे लिए हैं। सूर्य के समान कैसे, सूर्य अंधकार को दूर करता है और आप हमारे मन के भीतर बैठे हुए अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से, इसलिए आप सूर्य के समान हैं। अब आपने दर्शन दिया है तो आप हम पर कृपा करें, अपना ज्ञान प्रदान करें, ऐसी मधुर कथा सुनाए जो कथा हमारे कानों को तो प्रिय लगे, कानों को मधुर लगे, लेकिन इसके ही साथ साथ इस कथा से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति भी हो। कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो कानों को तो अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। इसलिए यहाँ ऋषियों ने कहा कि ऐसी कथा जो कानों को तो मधुर लगे ही, लेकिन इसके साथ साथ उस कथा से हमारे जीवन में हमको भक्ति की प्राप्ति हो, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो और हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न हो, ऐसी कथा।